अधिवक्ता दिवस के अवसर पर गुरुवार को विश्वा लायर्स एसोसिएशन के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने शपथ ली। बतौर मुख्य अतिथि बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के पूर्व चेयरमैन व सदस्य अजय कुमार शुक्ला ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। श्री शुक्ला ने सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों से अधिवक्ता हितों के लिए संघर्ष करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि बार काउंसिल हमेशा अधिवक्ताओं के हितों के लिए प्रयासरत है। कोरोना काल में कमजोर अधिवक्ताओं के लिए बार काउंसिल ने 10,68,936 रुपये की सहायता की है। यह धनराशि स्थानीय अधिवक्ता संगठनों द्वारा पारदर्शी तरीके से पात्र अधिवक्ताओं को वितरित की जाएगी। विशिष्ट अतिथि सिविल जज जूनियर डिवीजन रामेश्वर दयाल ने बार और बेंच के महत्व को समझाया। साथ ही भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के आदर्शों का अनुसरण करने की नसीहत भी दी। विधायक बिस्वा महेंद्र सिंह यादव ने कहा कि बार एसोसिएशन को टीन शेड देने का काम किया गया है, आगे भी अधिवक्ताओं की हर संभव मदद की जाएगी। विधायक सेवता ज्ञान तिवारी ने कहा कि वह बार एसोसिएशन के लिए हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। इस मौके पर पूर्व MLC राकेश सिंह ने पूर्व राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए उन्हें आदर्शवादी बताया और उनके बताए हुए मार्गों का अनुसरण करने को कहा। संचालन वरिष्ठ अधिवक्ता पद्मकांत शर्मा प्रभात ने किया। उन्होंने बिस्वा लायर्स एसोसिएशन के गरिमामयी इतिहास को विस्तार के साथ रखा। अतिथियों का स्वागत अध्यक्ष पुत्तीलाल वर्मा, सचिव नागेंद्र मौर्य, वीरेंद्र शुक्ला, राजेश सिंह, RP सिंह ने माल्यार्पण कर स्मृति चिन्ह भेंट कर किया। इस दौरान पूर्व अध्यक्ष भोलानाथ वाजपेयी, लालजी वर्मा, मनोज वर्मा, रसिक बिहारी गुप्ता, ब्रजेश नारायण गुप्ता, अशोक वर्मा, अभय अवस्थी, रामकिशोर वर्मा, राजेंद्र वर्मा आदि अधिवक्तागण मौजूद रहे। अधिवक्ता दिवस के अवसर पर आश्रितों को आर्थिक मदद दी गई। पूर्व चेयरमैन एवं सदस्य अजय कुमार शुक्ला ने बताया कि जिले के दिवंगत अधिवक्ता महेंद्र सिंह तोमर की पत्नी संध्या सिंह, स्वर्गीय अनिल अवस्थी की पत्नी बीना, कृष्णराज सिंह की पत्नी पन्ना सिंह, मुजकिर की पत्नी उज्मा, विनीत की पत्नी रचना शुक्ला, अतुल सक्सेना की पत्नी विनीता को ट्रस्टी कमेटी द्वारा 5,500,000 तथा जयप्रकाश श्रीवास्तव की पत्नी सोनपरी एवं ओम प्रकाश दुबे की पत्नी को 1,50,000 रुपये का चेक दिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार से कोरोना पीड़ित अधिवक्ताओं की सहायता के लिए 1,500 करोड़ रुपये की मांग की गई है तथा जूनियर अधिवक्ताओं को सरकार के सहयोग से 5,000 रुपये लाइब्रेरी के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।